बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की सीधी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने केंद्र में सरकार चलाते हुए गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का काम किया। टेलीकॉम कोयला घोटाला कर कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ों रुपए लूटे हैं, आपके सेवक ने घोटाले बंद किए हैं, बीजेपी सरकार में घोटाले बंद हुए हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि देश का कोई भी गरीब अब भूखा नहीं रहेगा, इसलिए मुफ्त राशन को आने वाले 5 सालों के लिए बढ़ाने का हमारी सरकार ने निश्चय किया है। गरीब का पैसा गरीब के पास जाए, कोई बिचौलिया लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता है। हमने आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज की गारंटी दी, देश भर के परिवार को पक्के घर की गारंटी दी, ये भी मोदी की गारंटी है। पीएम आवास पर अभी तक 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। राम मंदिर बन रहा है, इसकी चर्चा के साथ गरीबों के घर बनने की भी चर्चा हो रही है। आज यहाँ के लोग कह रहे हैं एमपी के मन में और मोदी के मन में ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आप लोग मोदी के मन में है, मोदी के दिल में है। एमपी के मन में मोदी क्यों है भाई, भाजपा क्यों है, ये कोई रहस्य की बात नहीं रह गई है। कांग्रेस ने केंद्र में हमारे यहां सेवा काल शुरू हुआ उसके पहले 10 साल तक जो सरकार चलाई उसमें उसने गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने का ही काम किया था। लेकिन आपके सेवक मोदी ने करीब 10 साल जो सरकार चलाई है आपकी सेवा में 10 साल पूरे लगन से समर्पित किए हैं, उसमें घोटाले बंद हुए हैं, गरीब और मिडिल क्लास की बचत हुई है, उन्हें अधिक सुविधा मिली है। आप देखिए टेलीकॉम घोटाला करके, कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ रुपए लूट लिए।